हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश को क्यों चढ़ाई जाती है दूर्वा और क्यों नहीं चढ़ाए जाते तुलसी के पत्ते। भारत में पूजा पाठ का अपना ही एक महत्व है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है और तुलसी भी उन्हीं में से एक है। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। वो देवता कोई और नहीं, भगवान गणेश हैं। इसके पीछे के रोचक तथ्य को जानने के लिए आपको यह हमारा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान देवी तुलसी अपनी शादी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नजर गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गणेश पर पड़ी। भगवान गणेश एक सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा था। उन्होंने जेवर पहने थे और फूलों की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश को देख देवी तुलसी आकर्षित हो गईं और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गणेश गुस्से में आ गए और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से देवी तुलसी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी दो शादी होंगी, वो भी उनकी इच्छा के बिना। इससे भगवान गणेश और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी। यह सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। भगवान गणेश ने माफी को स्वीकार किया और कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भगवान गणेश को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। तो कहानी ऐसे है कि प्राचीन काल में हर जगह राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। राक्षस देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया करते थे। ऐसा ही एक राक्षस था एनलासुर। एनलासुर ने हर जगह हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण उससे बहुत डरते थे। जब एनलासुर के पाप बहुत बढ़ गए, तब सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने कहा कि एनलासुर का विनाश सिर्फ गणेश जी कर सकते हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी देवतागण श्री गणेश जी के पास पहुँचे। भगवान गणेश के सामने सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, हमें इस निर्दयी राक्षस से बचा लो। देवताओं की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर श्री गणेश उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। इस घटना के बाद अनलासुर और श्री गणेश जी के बीच भयानक युद्ध होता है। क्रोध में आकर श्री गणेश अनलासुर को निगल जाते हैं। अनलासुर का अंत हो जाता है, लेकिन गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगती है। इस जलन को ठीक करने के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि उपचार खोजने जाते हैं, लेकिन किसी भी उपचार से श्री गणेश जी के पेट की जलन कम नहीं होती है। तब कश्यप ऋषि दूर्वा के 21 गांठ खाने के लिए गणेश जी को देते हैं। गणेश जी को दूर्वा के सेवन से आराम मिलता है और उनके पेट की जलन शांत हो जाती है। इससे खुश होकर श्री गणेश कहते हैं कि आज के बाद जो भी कोई मुझे दूर्वा चढ़ाएगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारा ये चैनल।